बीजापुर में माओवादियों के एम्बुश में फंसकर 3 जवान शहीद हुए और क्रॉस फायरिंग की चपेट में आने से एक नाबालिग आदिवासी युवती की मौत हो गई, तो वहीं एक नाबालिग युवती बुरी तरह जख्मी हो गई। घायल युवती का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बीजापुर के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के केशकुतुल मार्ग पर आज सुबह करीब 10:30 बजे CRPF जवानों की बाइक पार्टी पर माओवादियों ने एम्बुश लगाकर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए जवानों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। करीब आधे घंटे तक चली इस मुठभेड़ में CRPF 199 बटालियन के 2 जवान मौके पर शहीद हो गए, वहीं एक जवान जख्मी हो गया, जिसे भैरमगढ़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से जगदलपुर स्थित मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। इसी दौरान बीच रास्ते में सफर में जवान ने दम तोड़ दिया। इस तरह से माओवादियों के इस हमले में कुल 3 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों के नाम OP साजी मदनलाल, महादेव पाटिल बताया जा रहा है। वहीं इस हमले में पिकअप में सवार होकर आ रहे 2 नाबालिग भी चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि केशकुतुल में पढ़ने वाली 2 बच्चियां पिकअप में सवार होकर बैरमगढ़ के साप्ताहिक बाजार में शामिल होने जा रही थी, मगर बीच रास्ते में ही चल रहे इनकाउंटर की जद में आकर 14 वर्षीय आदिवासी नाबालिग जिब्बी तेमल की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक दूसरी नाबालिग गोली लगने की वजह से बुरी तरह जख्मी हो गई, जिसका इलाज जिला चिकित्सालय बीजापुर में चल रहा है। CRPF 199 बटालियन के जवान अपने केशकुतुल कैंप से बैरमगढ़ आ रहे थे बाइक पार्टी बना के। उसी टाइम सिविलियन गाड़ी भी वहीं से जा रही थी। उसी टाइम नक्सलियों ने धुआंधार फायरिंग कर दी, जिसकी चपेट में CRPF बाइक पार्टी और सिविलियन गाड़ी आ गई, जिसके चलते CRPF के 2 जवान शहीद हुए और एक जवान घायल हुआ। और सिविलियन गाड़ी में एक बालिका थी जिसकी मृत्यु हुई और दूसरी बालिका घायल हुई। जो घायल बालिका है उसका इलाज रायपुर में चल रहा है। अभी उसकी हेल्थ ठीक है। जो CRPF के घायल जवान है उसको रायपुर के लिए इवैक्यूएट कर दिया गया है।